तो कैसर अभी मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। शिनचैन भी बाहर जा चुका है तैयार होके। अभी हम जाने वाले हैं मस्ती पिकनिक पर शिनचैन और उसके दोस्त के साथ। एक सेकंड, तेरा दोस्त नहीं आया क्या? अरे विक्की बस वहाँ आते ही होगा। अबे कितनी देर हमें निकलना है कैसर, आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अरे विक्की मैं पहले हम कुछ खाने चलेंगे। हाँ शिनचैन पहले कुछ खाने में चलेंगे, उससे पहले तेरा दोस्त तो आ जाए। अरे विक्की मैं देखो आ गया। अरे आ गया, शिनचैन का दोस्त लिटिल सिंघम आ चुका है और उसके पापा भी आए। ए लिटिल सिंघम, अगर फ्रैंकलिन को परेशान क्या ना, इतने चाटे मारूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। पापा पापा, मैं बिल्कुल फ्रैंकलिन को परेशान नहीं करूंगा, है ना फ्रैंकलिन? हाँ अंकल, आप टेंशन मत लो, ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। चलो बेटा मैं चलता हूँ, ये लो थप्पड़। अरे अंकल क्यों मार रहे हो? अरे अंकल इसको क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है मेरे बेटे को मारने के लिए। हा, 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 चलो मैं चलता हूँ। अरे लिटिल सिंघम तू ठीक तो है ना? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो गाइज़र अभी लिटिल सिंघम आ चुका है, शिनचैन भी आ चुका, फटाफट से अभी हम जाने वाले। अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। अरे मुझे भी बहुत ही भूख लग रही है। तुम टेंशन मत लो, अभी हम जाने वाले सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने और बहुत ही ज्यादा मजे करेंगे बर्गर खाने के बाद। अरे विक्की मैं आपको बताया कि वहाँ पे नए नए शेक आए। अरे मैंने भी देखा था वहाँ पे नए नए शेक आए। अरे विक्की मैं रुको रुको, ये देखो सामने लगा है वाला शेक। और गाइस ये देख सकते हो ये मैकडॉनल्ड्स में लगता है नए नए शेक आए जिसका नाम है ग्रिमीज बर्थडे शेक। चलो गाइस आज तो यही खाएंगे यही पियेंगे, चलो फटाफट से चलते हैं मैकडॉनल्ड्स और बर्गर खाएंगे, मजा आएगा। तो गाइस अभी लिटिल सिंघम मैं और शिनचैन पहुंचने वाले बर्गर शॉट। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, फटाफट से गाड़ी को लगाते हैं, अंदर चलते हैं, बहुत सारे बर्गर हम खाने वाले। अरे विक्की मैं तो 10 बर्गर खाने वाला हूँ। अरे यार मैं भी 20 बर्गर खाऊंगा। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा जन्म जन्म के भूखे लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं फटाफट से अंदर चलते। ओह ये क्या चल रहा है? एक सेकेंड ये क्या है? अबे ये तो किसी का हाथ है। और एक गाइस यहाँ पे ये क्या चल रहा है? अबे शिनचैन अंदर आओ। अरे विक्की मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अंदर तो आओ, एक सेकंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये तो अंकल मरे हुए, ये तो यहाँ पे काम करते और सामने एक और मरा हुआ है। अरे क्या चल रहा है, ये हाथ किसका है? अरे क्या चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा खून खून हो रखा है। और गाइस यहाँ पे एक और जना मरा हुआ है। हेलो हेलो अंकल, अरे यहाँ पे तो सभी के सभी लोग ही मरे पड़े। अरे क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे विक्की मैं कहाँ पे गए? अरे ये तो शिनचैन, एक सेकंड ये गेट को क्या हो गया? अरे ये गेट कैसे बंद हो गया? अरे मुझे बाहर निकालो शिनचैन, शिनचैन मुझे बाहर निकाल। अरे विक्की में ये क्या हो गया? अबे शिनचैन ये क्या हो गया? अरे विक्की में गेट अपने आप बंद हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? रुक जा, दूसरे वाले गेट पे जाना पड़ेगा। एक सेकंड ये वाला गेट भी बंद हो चुका है, ये क्या हुआ? किसने बंद किया ये गेट? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ? एक सेकंड ये आप पता नहीं क्या क्या चीजें लिखी हुई है, मुझे तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे शिनचैन मुझे बाहर निकाल। मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन। अरे ये आवाज कहाँ, ये क्या चीज है? फ्रैंकलिन कैसे हो? अरे अंकल आप कौन हो? मुझे बाहर निकालो। इतनी जल्दी नहीं फ्रैंकलिन, मैंने तुम्हें बुलाया है और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अरे पर मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, लॉस सैंटोस के सारे लोग मेरा शेक बना बना कर पी रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो ग्रिमिस शेक की दुनिया थी वो खत्म हो चुकी है। मैं आखिरी बचाऊ और तुम मुझे भी खत्म करना चाहते हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे ठीक है हम शेक नहीं पियेंगे, हमें यहाँ से बाहर भेज दो। नहीं नहीं फ्रैंकलिन, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, हमारी ग्रिमेस की दुनिया को वापस से पहले जैसा करना पड़ेगा। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे प्लीज जाने दो। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। शिनचैन लिटिल सिंघम मुझे बचा। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अरे अंकल क्यों डरा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, अंकल मुझे माफ कर दो। फ्रैंकलिन चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना जो बाहर तुम्हारे दोस्त खड़े उनका भी यही हाल होगा। नहीं नहीं उनको कुछ मत करना। तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे दोस्तों की जान बच जाएगी, वरना उनको मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। तुमको मेरे तीन काम करने पड़ेंगे फ्रैंकलिन, वरना मैं
चैन और लिटिल सिंघम को मार दूंगा। पता बता मुझे क्या करना है। तो फ्रैंकलिन तुम्हें पहला काम करना है लॉस सेंटोस के सबसे भयानक जंगलों में जाके रेड मशरूम लाने का। रेड मशरूम वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ना ढूंढना। हाँ फ्रैंकलिन, इसलिए तुम्हें लाना पड़ेगा। और हाँ, उसी जंगल में ग्रीन मशरूम मिलेगा जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही है, उसे भी लाना पड़ेगा। क्या, उसको ढूंढना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है, वो कैसे मिलेगा? वो सब मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है, और तीसरा काम? और तीसरा काम, रात के 4 बजे शमशान में जाके क्रिमिस का बेबी एग तुम्हें लाना पड़ेगा। पर याद रखना, वहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। क्या, वो भी 3-4 बजे? अरे उस टाइम तो बहुत ही अंधेरा होगा और मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो सब मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन, इन तीनों कामों को तुम्हें करना पड़ेगा वरना पता है ना क्या होने वाला है। रा, पता है मुझे पता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, शिनचैन और लिटिल सिंघम को अपने साथ रख लेता हूँ। अरे नहीं, मैं उन दोनों को लेके जाना चाहता हूँ। नहीं फ्रैंकलिन, वो दोनों मेरे साथ रहेंगे। अरे विक्की भाई, ये क्या हो गया? अरे अभी बचाओ फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो मेरे तीनों काम करो वरना मैं इनको इन जैसे मार दूंगा। नहीं नहीं, इनको मत मारना, मैं तुम्हारे काम जरूर करूंगा। तो जाओ, केक तुम्हारे लिए खुल चुके हैं, जल्दी से जल्दी तीनों काम करके लाओ। शिनचैन और लिटिल सिंघम, तुम टेंशन मत लो, मैं सारे काम करके आता हूँ और मैं तुम्हें बचा लूंगा। चलो काइजर, फटाफट से चलते, हमें लिटिल सिंघम और शिनचैन को बचाना पड़ेगा। उसके लिए तीनों के तीनों जो इसने हमें काम दिए वो करने पड़ेंगे। पहला है रेड मशरूम लेना, दूसरा है ग्रीन मशरूम लेना और तीसरा है बेबी एग लेना ग्रिमिस शेक का। चलो काइजर, फटाफट से चलते, तीनों काम करते हैं तभी हम शिनचैन और लिटिल सिंघम को बचा पाएंगे। तो काइजर, अभी हम निकल चुके हैं वो सारे के सारे पहले तो मशरूम ढूंढने। हमें पहले मशरूम ढूंढने का काम करना पड़ेगा, फिर जाएंगे वो खतरनाक सा एग लेने। वो एग जहाँ पे मिलने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, पर कोई बात नहीं, अभी हमें मशरूम ढूंढना है, उस पर ध्यान दे दें। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे इतने ज्यादा पेड़ पौधे, हमें बिल्कुल ढंग से ढूंढना पड़ेगा उन खतरनाक खतरनाक मशरूम्स को। एक है रेड कलर का और एक है ग्रीन कलर का। रेड वाला तो फिर भी थोड़ा इजीली मिल जाता है, पर ग्रीन वाला तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो दुनिया में सिर्फ एक ही है। चलो फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करें। अगर आपको भी कहीं पे दिख जाए तो फटाफट से कमेंट कर देना कि वहां पे वो मशरूम है, फटाफट से बता देना मुझे। और गाइस, अगर आप शिनचैन और लिटिल सिंघम को बचाना चाहते तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और एक सेकंड, ये कौन से पौधे हैं? ये मशरूम का तो नहीं लग रहा, कहां मिलेगा हमें मशरूम? रेड मशरूम आ जाओ, ग्रीन मशरूम आ जाओ, कहां पर हो तुम? तो गाइस, इस कीचड़ में आप देख सकते हो पता नहीं कौन से पिंक कलर के फूल यहां पर उगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहे हैं। आपका सबसे फेवरेट कलर कौन सा है फटाफट से कमेंट करके मुझे बता देना। और मशरूम अभी तक दिखा हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे तो यार अभी तक कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ और जगह घास है, फूल है, पता नहीं क्या क्या है, बस मशरूम ही नहीं है। मशरूम 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 कहां है? मशरूम कहां है? मशरूम कहां है? पानी में तो नहीं है ना? मशरूम मशरूम मशरूम, एक सेकंड, ये क्या? अरे तो इधर ही है। अरे गाइस, मैं इतनी देर से इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं ढूंढने जा रहा हूं पर ये मशरूम तो इधर ही है। ये देख सकते हो, ये मुझे यहां पे मशरूम मिल चुका है। गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया, मुझे रेड वाला मशरूम मिल चुका है। तो गाइस अभी हमें एक मशरूम तो मिल चुका, फटाफट इसको गाड़ी के अंदर डाल के आते हैं, फिर हमें ग्रीन वाला मशरूम भी तो ढूंढना है। चलो चलो फटाफट चलते हैं, इसको गाड़ी में रखते हैं और फिर ढूंढेंगे अपना ग्रीन वाला मशरूम। तो गाइस अभी बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, मैं कब से उस ग्रीन वाले मशरूम को ढूंढे जा रहा हूं, मुझे तो वो मिल ही नहीं रहा। एक काम करते हैं, मैं सीधा रो सर बेबी एग के लिए निकलता हूं, ग्रिमिस का एग हमें चाहिए था। अभी मैं निकलूंगा तब यार रात को 3-4 बजे पहुंचूंगा उस जगह पर, वो शमशान पर जहां पे वो एग मुझे मिल सकता है और वहां पे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। तो उससे पहले यार मुझे बहुत सारे वेपन्स भी लेने पड़ेंगे ताकि मैं उन मॉन्स्टर से भी लड़ पाऊं। चलो गाइस फटाफट से अभी। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 3 और आप देख सकते हो मैं कहीं तो जा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और रात में इधर तो सीन कुछ ज्यादा ही अलग लग रहे हैं। ये देख सकते हो अभी क्या चल रहा है और सामने ये लोग कौन है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। चलो इनसे बात करते, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अंकल मुझे अंदर जाना है। भाग जाओ यहाँ से वरना मार दूंगा। अरे भागो, ये तो मेरे को चिल्लाने लग गया। अरे कैसर, ये तो मुझे ऐसे भगा रहा है, पर कैसे भी करके मुझे अंदर तो जाना पड़ेगा। और यहाँ से मैं जैसा कि देख सकता हूँ कि अंदर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर इन सबको मुझे मारना पड़ेगा। सबसे पहले इस वाले को मारता हूँ जो कि मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, 3-2-1 ये ले। फटाफट इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं। तो कैसर, इसके ऊपर पहले गाड़ी चढ़ाएंगे और यहाँ पे अंदर घुसेंगे और अपना तो भी अपना सबसे खतरनाक वेपन
अपन यहाँ पे निकल चुका है, तो फिर से खड़ा होना बैठ जाए यहाँ से। चलो गाइस सर, ये देखो बीच में पता नहीं इन्होंने क्या बना रखा है, पर सामने मुझे मॉन्स्टर दिख रहे हैं, इन सभी को मैं मारने वाला हूँ, हट जाओ। ये लो इन सभी को मारते हैं। और गाइस सर यहाँ पे एक और है, इसको भी मारेंगे। अरे गाइस सर यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर मेरी तरफ भागते हुए। अरे क्या हो गया अंकल, साइड हो जाओ, हट जाओ। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी जगह मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे चढ़ जाते। अरे यहाँ पे भी खड़ा, हट जा। अरे ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहे, कदम कर देंगे। अरे गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पे एक और है, इसको फटाफट से मारते हैं। और यहाँ पे भी एक मुझे दिख रहा है, इसको भी मैं मारना पड़ेगा। तो गाइस सर अब यार मेरा उस एग को भी तो ढूंढना है, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को देख के मैं तो ये भूल ही गया कि मैं एग ढूंढना है। और एक सेकंड, ये एग मुझे मिल चुका है। तो गाइस सर जो हमें एग चाहिए था वो हमें मिल चुका है फटाफट से। जो भी मुझे अभी लगता है मैंने यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को भी मार दिए। और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, फटाफट से इस एग को लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस सर एग तो मुझे मिल, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, इन मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो गाइस सर फटाफट से इस खतरनाक सी दुनिया से बाहर निकलते हैं। मेरी गाड़ी भी खराब कर दी इन मॉन्स्टर्स ने, ढंग से कंट्रोल भी नहीं हो रही। अरे छोड़ दो मुझे मॉन्स्टर्स, चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, सीधे चलते हैं लॉस सैंटोस से। मॉन्स्टर्स तो मेरे अभी भी पीछे आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं हमें यार मॉन्स्टर पर कोई बात नहीं, हमें ग्रिमिस का एग मिल चुका है। एक आखिरी चीज बची जो ग्रीन मशरूम लेना, वो भी अभी ले ही लेंगे। तो गाइस सर वापस अब निकल चुके हैं उस खोज पे ग्रीन मशरूम को ढूंढने के लिए। और मुझे पता चला है कि यार वो किसी खड्डे के अंदर मतलब मिट्टी में भी धसा हो सकता है। तो मैं ये बड़ी सी मशीन लेके आ चुका हूँ जो कि ट्रैक करके बताने वाली है कहाँ पे मिलने वाला है ग्रीन मशरूम। फटाफट इस मशीन को गोल गोल पूरे पूरे एरिया में घुमाते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें वो ग्रीन मशरूम मिल ही जाएगा। अगर आप अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि जल्दी से जल्दी वो ग्रीन मशरूम हमें मिल जाए। वो ग्रीन मशरूम दुनिया में सिर्फ एक ही है और उसको हम ढूंढने निकल चुके। कब तक मिलेगा वो तो नहीं पता, पर कैसे भी करके ढूंढ के रहेंगे। मिल जा, शाम हो चुकी है, कब मिलेगा? एक सेकंड, अरे ये तो मिल गया। अरे रुक जा, एक बहुत ही तेज आवाज है इधर से। अरे गाइस सर यहीं पे कहीं पे वो मशरूम है, मुझे फटाफट से यहाँ पे ड्रिलिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो गाइस सर ड्रिलिंग हमारी शुरू हो चुकी है, उस मशरूम को खोजने की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। फटाफट से मस्ती ड्रिलिंग करते, बड़ा सा खड्डा करते, उससे हमें वो ग्रीन कलर का मशरूम मिल जाएगा। तो गाइस सर अब हम ड्रिलिंग करते चार, और कुछ ना कुछ तो ग्रीन कलर का बाहर आ रहा है, मुझे लगता है वो मशरूम ही है। आप देख सकते हो गोल गोल चीज, कुछ ना कुछ तो बाहर आ रही है। फटाफट से पूरी ड्रिलिंग करके उसको बाहर निकालते हैं। तो गाइस सर आखिरकार हमने ड्रिलिंग कर करके उस मशरूम को पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया, और हम ये ग्रीन कलर का मशरूम बाहर निकल चुका है। बस को थोड़ा सा निकालते और अपने पास ये आ जाएगा। तो गाइस सर फाइनली हमें ग्रीन मशरूम मिल चुका है, शाम हो चुकी है। फटाफट से चलते हैं उस ग्रिमिस शेक के पास और उसको देते हैं ये मशरूम, फिर वो शिनचैन और लिटिल सिंघम को छोड़ देगा। फ्रैंकलिन क्या तुम सारी चीजें ले आए? ग्रिमिस शेक में सारी की सारी चीजें लेके आ चुका हूँ, ये आपका लाल मशरूम, ये आपका ग्रीन मशरूम और ये आपका अंडा। फटाफट से लिटिल सिंघम और शिनचैन को छोड़ दो। ऐसे कैसे फ्रैंकलिन, पहले इस अंडे को तो तोड़ो। अंडे को तोड़ो, क्या ऑमलेट बनाएंगे? नहीं फ्रैंकलिन, उसमें से जो निकलेगा वो देख के तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, फटाफट इस अंडे को तोड़ देते हैं। अबे तेरी, ये क्या हो गया, ये इन अंडों में तो तीन तीन बेबी ग्रिमिस दिखेंगे। मुझे पता था ये होने वाला है, अब हम सारे ग्रिमिस मिलके लॉस सैंटोस पर राज करेंगे। अरे ये तो चीटिंग है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी, अब तुम लॉस सैंटोस पर राज करोगे? हाँ फ्रैंकलिन, अब हम लॉस सैंटोस पर राज करेंगे और सारे इंसानों को बनाएंगे हमारा नौकर। अरे वो सब तो ठीक है, शिनचैन और लिटिल सिंघम को तो छोड़ दो। अच्छा ठीक है, लिटिल सिंघम और शिनचैन को छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद लॉस सैंटोस हमारा होगा। ऐसी फेंकी में कैसे तो लॉस सैंटोस पूरा तबाह हो जाएगा। अरे यार फ्रैंकलिन, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इन सारे ग्रिमिस को रोकना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइडिया है। चलो फटाफट से चलते हैं, इधर से मारेंगे बहुत सारे ग्रेनेड। ये लो सारे ग्रिमिस को उड़ा दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये लो। अरे फ्रैंकलिन ये क्या कर रहे हो, लॉस सैंटोस पे राज करके? भागो यहां से, कोई राज नहीं कर पाएगा। इधर मारूंगा खतरनाक आरपीजी। ये लो। तो गाइस सर अभी मैंने उन सारे के सारे ग्रिमिस को मार दिया, लॉस सैंटोस से बाहर फेंक दिया। तो गाइस सर सारे के सारे ग्रिमिस खत्म हो चुके, उसके जितने ही बच्चे पैदा हुए थे उन सब को हमने मार दिया, लॉस सैंटोस को हमने बचा लिया, शिनचैन और लिटिल सिंघम को भी बचा लिया। तो गाइस सर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं चले कि वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस सर Instagram और Discord डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस सर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।